दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम वापस से बल्लेबाजी करने आई अपनी दूसरी इनिंग में और भारतीय टीम के पास 171 रनों की लीड तो पहले ही आ चुकी थी, जिसके चलते इसको बढ़ाने के लिए और रोहित शर्मा और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन दिन के शुरुआत में ही रोहित शर्मा एंडरसन की संतराती गेंद को पढ़ नहीं पाए, हो गए क्लीन बोल्ड जैसे कि आप लाइव मैच में देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ रोहित शर्मा की पारी भी समाप्त, 13 रन पर एंडरसन के हाथों। उनके बाद बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को, जयसवाल भी वही गलती कर बैठे, एंडरसन की बार जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और स्लिप में रूट ने इस तरीके से कैच लपकी। पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज जयसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद श्रेयस अय्यर, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन जब ये 29 रन पर थे एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्डली की गेंद पर बशीर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिस चलते इस मुकाबले में 29 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हुए। उनके बाद आए रजत पाटीदार, लेकिन ये भी वही गलती कर बैठे, बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे और विकेट कीपर ने एज लगते ही कैच को लपक लिया इस तरीके से, जिस चलते इस मुकाबले में ये भी आउट हुए मात्र 9 रन बनाकर। दोस्तों लेकिन इस मुकाबले के भारतीय टीम की दूसरी इनिंग के स्टार बल्लेबाज थे शुभमन गिल, जिन्होंने ऐतिहासिक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के इस रन स्कोर को अकेले आगे बढ़ाया। दोस्तों शुभमन गिल ने साबित कर दिया कि क्यों वो असली प्रिंस माने जाते हैं। दोस्तों इसी सिंगल के साथ शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, शतक लगाया दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने, लेकिन इनकी शतक की पारी ज्यादा लंबी नहीं हो पाई, क्योंकि शुएब बशीर की अगली ही गेंद पर अपने बल्ले का हाथ का एज दे जरिए से जिस चलते विकेट कीपर ने फोक्स ने कैच लपक ली, जिसके चलते आउट हुए शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारी 104 रन पर समाप्त हुई। उनके बाद आए केएस भारत, लेकिन अक्षर पटेल भी 45 रन बनाकर हार्डली की गेंद पर LBW आउट हुए अगली ही गेंद पर, जिसके चलते 230 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम। दोस्तों लेकिन उनके बाद कुलदीप यादव, जो नए बल्लेबाज आए थे, आते ही युवराज सिंह की तरह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे डकलेट को कैच देकर आउट हुए, जिसके चलते इस मुकाबले में कुलदीप यादव आते ही मात्र 0 रन बनाकर मैदान से रवाना हुए। दोस्तों उनके बाद वही गलती कर बैठे और कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह भी बल्ले का ऐसे बड़े इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक ढह रहे थे, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन बल्लेबाज आउट हो रहे थे। आखिरी बल्लेबाज से और कोई नहीं, रविचंद्रन अश्विन, जो कि 29 रन बनाकर रेहान अहमद की गेंद पर इस तरीके से आउट हुए विकेट कीपर को कैच देकर, जिसके चलते भारतीय टीम की दूसरी इनिंग 255 रन पर समाप्त हुई और इंग्लैंड को टारगेट मिला है मुकाबला जीतने के लिए 399 रन का। ऐसे में 399 रन के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की टीम उतरी। दोस्तों आप सभी को बता दें, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली और बेन डगलेट, 50 रन नाबाक थे, दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी भी हो रही थी, तभी दिन के अंत में साझेदारी को तोड़ा अश्विन की इस करामाती गेंद ने। दोस्तों इस तरीके से घूमती हुई गेंद रखी, बल्ले का एज लेकर डगलेट के शिकार भारत ने शानदार कैच को समाप्त किया, जिस गलत इस मुकाबले में आउट हुए डगलेट 28 रन बनाकर और तीसरा दिन 66 रन पर ही समाप्त हुआ इंग्लैंड का एक विकेट खोकर। और इंग्लैंड को अभी भी जीतने के लिए 332 रन लगाने हैं, 9 विकेट इंग्लैंड के पास है, 2 दिन इंग्लैंड के पास है। अब देखते ही है भारत की गेंदबाजी कमाल करती है या फिर बेसबॉल की बल्लेबाजी, ये मुकाबला है रोमांचक। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप जसप्रीत बुमराह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह का तूफान आया, जहां पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 356 रन बना दिए थे। ऐसे में बारी थी अब इंग्लैंड की पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरने की, इंग्लैंड को धाराशाही कर दिया जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह के पहले शिकार बने इस इनिंग में और कोई नहीं, इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो रूट, 200 बार जाती हुई गेंद पर इस तरीके से एज दे बैठे जो रूट और स्लिप में शुभमन गिल ने कैच लपक ली। दूसरे इनके शिकार बने ओली पोप, जिनको इस तरीके से इन स्विंग यॉर्कर रखकर जसप्रीत बुमराह ने 23 रन पर बुरी तरह से बोर्ड कर दिया। उनके बाद उनके अगले शिकार बने जॉनी बेस्टो, ये भी एज देकर इस तरीके से स्लिप में आउट हुए। 3 विकेट यहां पर बुमराह ने ले लिए थे और तीनों ही विकेट काफी बड़े थे। दोस्तों उनके बाद अगली विकेट एक और बड़े बल्लेबाज की आई, जो की थे बेन स्टोक्स, इनको भी इस तरीके से बंदर आती हुई गेंद रखी, पर नहीं पाए बेन स्टोक्स और हो गए इस तरीके से क्लीन बोल्ड। 14 विकेट मिली जसप्रीत बुमराह को और 5 विकेट थी उनकी। इस तरीके से टॉम हार्डली भी एज दे बैठे और शुभमन गिल के हाथों आउट हुए। 5 विकेट यहां पर पूरे कर लिए थे जसप्रीत बुमराह ने और 9 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे। आखिरी विकेट भी बुमराह ने इस तरीके से एंडरसन को LBW आउट करा दिया। विकेटों के बीचों बीच पाए गए 6 विकेट लिए बुमराह ने 45 रन देकर 293 रन पर ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम के पास काफी तगड़ी लीड आ गई ऐसी गेंदबाजी के चलते। लेकिन दोस्तों आप बुमराह की गेंदबाजी को 5 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन। दोस्तों दूसरे दिन भारत के यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा। दोस्तों इन्होंने 209 रनों की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम की पहली इनिंग 396 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में अब बारी थी इंग्लैंड की पहली इनिंग की। बेन डगलेट व जैक क्रॉली ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई थी, लेकिन पहले इनके सलामी बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों जैक क्रॉली इस तरीके से बेहतरीन, लेकिन उनके सामने डगलेट एज देवेड इस तरीके से और स्लिप में आउट हुए। कुलदीप यादव की गेंद पर 21 रन बनाकर सलामी बल्लेबाज डगलेट आउट हुए। उनके बाद जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली और 76 रन पर आ चुके थे, तभी हो गई इनसे भी बड़ी गड़बड़। अक्षर पटेल की
घूमती हुई गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में पीछे खड़े श्रेयस अय्यर को कैच देके बैठे और अपनी विकेट गवा बैठे। 76 रन बनाकर 78 गेंदों का सामना करते जैक क्रॉली आउट हुए। 200 इनके बाद इस तरीके से आधे ही रूट भी अपने बल्ले का ऐसे बैठे। बुमराह की गेंद पर शुभमन ने स्लिप में कैच शानदार लपकी, जिस गलते जो रूट भी आउट हुए मात्र 5 रन बनाकर। लेकिन उनके बाद बड़ा झटका दिया ओली पोप को बुमराह ने। यॉर्कर गेंद पर 4 खाने चीत हो गए और बोल्ड हो गए कि जिस तरीके से ओली पोप 23 रन बनाकर बड़ी विकेट मिली। ओली पोप 23 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद बेस्टो भी अपने बल्ले का ऐसे बैठे कुछ इस तरीके से और स्लिप में शुभमान गिल ने इनकी शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बैक टू बैक विकेट मिली बुमराह को। 25 रन बनाकर बेस्टो आउट हुए। उनके बाद तो विकेटों का सिलसिला पूरी तरीके से बरकरार रहा। आते ही फोक्स 20 तरीके से 6 रन बनाकर खुद यादव की गेंद पर 6 रन बनाकर बोल्ड हुए। 200 के बाद रेहान अहमद भी बड़ी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा सामने खड़े शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे। लगभग 4 कैचें तो शुभमन गिल ने ही पकड़ी और रेहान अहमद 6 रन बनाकर आउट हुए। बेन स्टोक्स अकेले बल्लेबाज थे जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे विकेट जाने के बाद भी, लेकिन वो भी बुमराह की संतराती गेंद को पढ़ नहीं पाए और हो गए 4 खाने चित। ऐसा बोल तो शायद ही कभी हुआ होगा कोई बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में। बेन स्टोक्स 47 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 200 के बाद तो विकेटों की लड़ी ही लग गई। टॉम हार्डली भी बुमराह की इस गेंद पर शुभमन गिल को कैच दे बैठे। हर तरफ शुभमन गिल और बुमराह ही नजर आ रहे थे। 200 के बाद इस तरीके से जेम्स एंडरसन भी एलबीडब्ल्यू बुमराह के हाथों आउट हुए। 6 बड़ी विकेट निकाली बुमराह ने और इंग्लैंड को ऑल आउट कर रख दिया मात्र 253 रन पर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 253 रन पर पूरी इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई और भारतीय टीम अभी भी ट्रेल से काफी आगे थी। जी हाँ दोस्तों, 143 रन से भारतीय टीम आगे थी। बचे हुए 17 ओवर भारतीय टीम वापस से खेलने आई। जयसवाल और रोहित शर्मा ने मिलकर 28 रन लगाए दिन की समाप्ति पर, जिस गलते दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। 171 रन से भारतीय टीम आगे है और अभी भारतीय टीम के पूरे पास 10 विकेट है और पूरे 2 दिन है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना पर देंगे? दूसरा, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आपको बताएं पहले दिन की हाईलाइट, तो पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें यशस्वी जायसवाल ने खेली 179 रनों की नाबाद पारी और अश्विन ने 5 रनों की, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल 336 रन लगा दिए थे। अब दूसरे दिन की शुरुआत में अश्विन और जायसवाल वापस से आए। दोस्तों, आते ही यशस्वी जायसवाल ने अपनी बेहतरीन भयंकर व शानदार बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया और जिस हिसाब से उन्होंने पहले दिन बल्लेबाजी की थी वैसी बल्लेबाजी करते हुए अपने दोहरे शतक तक पहुंच गए। जी हां दोस्तों, अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के करियर का पहला दोहरा शतक पूरा किया यशस्वी वी जायसवाल ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें इनका सेलिब्रेशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन था। पूरा ग्राउंड पर सिर्फ यशस्वी जायसवाल के नारे बज रहे थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें अब तक इन्होंने बल्लेबाजी की 209 रनों की। 209 रन पर जब ये खेल रहे थे तब जेम्स एंडरसन ने बाहर की गेंद रखी, बल्ले का एज लेकर बेस्टो के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिस गलते जायसवाल की पारियां समाप्त हुई। 209 रन बनाए जायसवाल। 200 के बाद रविचंद्रन अश्विन भी एंडरसन की इस गेंद पर एज दे बैठे, जिस गलते अश्विन भी आउट हुए मात्र 20 रन बनाकर। उनके बाद आए जसप्रीत बुमराह, 2 ही विकेट बाकी थी। बुमराह भी आधे इस तरीके से एज दे बैठे। रिहान अहमद की गेंद पर 6 रन बनाकर स्लिप में आउट हुए। आखिरी विकेट थी इस तरीके से मुकेश कुमार भी एज दे बैठे और ये भी स्लिप में इस तरीके से कैच आउट हो गए। ये गेंद भी शोएब बशीर की ही थी, जिस भारतीय टीम ऑल आउट हुई 356 रन पर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की पहली इनिंग 356 रन पर ऑल आउट हुई, जिसमें जायसवाल के 209 रन शामिल थे। लेकिन दोस्तों, आप जायसवाल की ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दूसरा, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आपको बताएं पहले दिन के हाईलाइट, तो पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें यशस्वी जायसवाल ने खेली 179 रनों की नाबाद पारी और अश्विन ने 5 रनों की, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल 336 रन लगा दिए थे। अब दूसरे दिन की शुरुआत में अश्विन और जायसवाल वापस से आए। दोस्तों, आते ही यशस्वी जायसवाल ने अपनी बेहतरीन भयंकर व शानदार बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया और जिस हिसाब से उन्होंने पहले दिन बल्लेबाजी की थी वैसी बल्लेबाजी करते हुए अपने दोहरे शतक तक पहुंच गए। जी हां दोस्तों, अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के करियर का पहला दोहरा शतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें इनका सेलिब्रेशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन था। पूरा ग्राउंड पर सिर्फ यशस्वी जायसवाल के नारे बज रहे थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें अब तक इन्होंने बल्लेबाजी की 209 रनों की। 209 रन पर जब ये खेल रहे थे तब जेम्स एंडरसन ने बाहर की गेंद रखी, बल्ले का एज लेकर बेस्टो के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिस गलते जायसवाल की पारियां समाप्त हुई। 209 रन बनाए जायसवाल ने भारतीय टीम को 356 रन तक पहुंचा दिया पहली इनिंग में। लेकिन दोस्तों, आप जायसवाल की ऐतिहासिक पारी को 10 से कितना नंबर देंगे? दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन तो भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा शानदार रहा, जहां भारतीय टीम ने इस तूफानी मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोस्तों, आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने पहले दिन में 336 रन लगा दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल एक लौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि काफी ज्यादा रन बना रहे हैं।
दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने भारत की तरफ से पहले दिन 179 रनों की पारी खेली 257 गेंदों में। अब दूसरे दिन भी ये वापस से बल्लेबाजी करने आएंगे और सिर्फ 21 रन दूर है अपने दोहरे शतक से। उनके साथ रविचंद्रन अश्विन है। दोस्तों यहां समाप्त हुआ था पहला दिन इतने बड़े स्कोर पर यशस्वी जायसवाल की 179 रनों की पारी पर। लेकिन अब बात कर लेते हैं भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की। दोस्तों दिन की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि जायसवाल काफी ज्यादा गेंदे खेल चुके हैं। लगभग 250 गेंदे उन्होंने पहले दिन ही खेल दी हैं, जिसके चलते वो जिसी तरह से 21 रन लगाकर इस मुकाबले में अपने दोहरे शतक को किसी भी तरीके से पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इंग्लैंड थोड़ी सी चतुराई करती है और जायसवाल की विकेट ले लेती है।